अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स पाकिस्तानी ब्यूटी टिप्स चैनल फिज़ा, और मैं हूँ फिज़ा। मैं आप सब लोगों को एक बार फिर से वेलकम करती हूँ अपने चैनल में। तो आज की मेरी वीडियो एक DIY वीडियो नहीं है, बल्कि मैं आज रिव्यू शेयर करने जा रही हूँ एक क्रीम का, जो कि एक पाकिस्तानी क्रीम है फेयर एंड पिंक के नाम से। आजकल बहुत ही ज़्यादा इन हो रही है पाकिस्तान में। तो इस क्रीम को बजाते खुद तो मैंने यूज़ नहीं किया, बल्कि इसको मेरी सिस्टर ने यूज़ किया है, और अभी ये क्रीम ख़त्म होने वाली है, तो मैं आप लोगों के साथ इसके रिज़ल्ट शेयर कर रही हूँ। तो फर्स्टली ये एक डर्माकोलॉजिस्ट रिकमेंडेड क्रीम है। इस डर्माकोलॉजिस्ट के बारे में आगे चल के आपको थोड़ा सा बताती हूँ। फर्स्टली ये क्रीम क्लेम कर रही है कि ये 4-डिमेंशनल फेयरनेस क्रीम है, जिसमें फर्स्ट में शामिल है इम्प्रूव ग्लो, मॉइस्चराइज, इम्प्रूव कॉम्प्लेक्शन और नरिशिस। तो मैं इसको देना चाहूँगी 100/95 मार्क्स, क्योंकि बिल्कुल ऐसा ही है। मेरी सिस्टर की स्किन पहले से काफ़ी ग्लो हुई है। सेकेंड, ये क्रीम क्लेम कर रही है फॉर स्किन फेयरनेस, ये एक फेयरनेस क्रीम है, तो मैं इसको देना चाहूँगी 100/80 मार्क्स, क्योंकि फेयरनेस की बात कर हो रही है आपके बर्थ कलर की, आपकी स्किन का जो बर्थ कलर है जस्ट उसको इम्प्रूव करेगी। इसके मेन इंग्रेडिएंट्स में शामिल है लिक्विडाइज एक्सट्रैक्ट और आर्बोटिन। ये दोनों इंग्रेडिएंट्स फेयरनेस के पावरफुल एजेंट्स हैं। आर्बोटिन हम किस तरह घर पर बना सकते हैं उसकी वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ बहुत जल्द शेयर करूँगी। उसके बाद ये क्रीम क्लेम कर रही है कि फॉर एवर फॉर एवरी बॉडी, मीन्स कि ये एवरी स्किन टाइप क्रीम है। उसके बाद ये क्रीम क्लेम कर रही है कि ये मल्टी विटामिन विद SPF 20, यानी कि ये एक डे क्रीम भी है और नाइट क्रीम भी है। लेकिन यहाँ पे एक बात थोड़ी सी कंफ्यूज कर रही है कि अगर ये नाइट क्रीम है तो इसको हम डे में कैसे यूज़ कर सकते हैं, और अगर डे क्रीम है तो नाइट में कैसे। चूँकि जिस क्रीम में SPF मौजूद होता है उसको हम नाइट में यूज़ नहीं कर सकते, उससे आपके ओपन पोर्स या लार्ज पोर्स का आपको इश्यू हो सकता है, तो ये बात थोड़ी सी कन्फ्यूज कर रही है। अगर इसके दूसरी साइड पे देखा जाए तो यहाँ पे सबसे ऊपर लिखा हुआ है कि ये स्किन फेयरनेस क्रीम है और इफेक्टिव है स्पेशली एज स्पॉट्स, फ्रैकल्स, अनइवेनेंस ऑफ स्किन कलर और डिस्कलरेशन के लिए। ये स्किन को नरिश करती है, स्किन को बैलेंस करती है और वाइटिंग इफेक्ट देती है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि ये फ्रैकल्स को दूर नहीं करती, एज स्पॉट्स को दूर नहीं करती, अनइवन स्किन कलर को टोन में लाती है, स्किन को बैलेंस बिल्कुल करती है और वाइटिंग इफेक्ट भी देती है। क्रीम को अगर पलटा कर देखें तो यहाँ पर राइट साइड पर इसके तमाम के तमाम इंग्रेडिएंट्स लिखे गए हैं, जो कि तमाम मेडिकेटेड इंग्रेडिएंट्स है। उसके बाद लिखा गया है इसको यूज़ करने का तरीका, कि इसको आप डे एंड नाइट में इफेक्टेड एरियाज यानी फेस, नेक और जिस्म के बाकी हिस्सों पर अप्लाई कीजिए और जेंटली इसको मसाज कीजिए जब तक कि ये स्किन में ऑब्जर्व नहीं हो जाती। और लिखा गया है कि इसको 2 से 3 मंथ तक यूज़ करें। और देन उन्होंने यहाँ पर इसकी कुछ डिस्क्रिप्शंस दी हुई हैं कि इसको आप 25 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रखें और इसको डायरेक्टली हीट और सनलाइट में यूज़ मत कीजिए। और लास्ट पे वो लोग लिख रहे हैं कि डर्माकोलॉजिस्ट रिकमेंडेड। तो डर्माकोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट होते हैं जो स्किन, स्नेल्स और हेयर डिजीज़ को देखते हैं। फ्रंट पर इसकी प्राइस लिखी गई हुई है, जो कि पहले थी 433 रुपीज़ और अब है 507 रुपीज़। इसको अगर आप यूज़ करते हैं तो 20 डेज तक यूज़ कर सकते हैं। इसके अगर कंसिस्टेंसी की बात की जाए तो ये एक बहुत ही लाइट फेड पिंकी शेड वाइट कलर में है। इसको आप जब यूज़ करेंगे तो ये स्किन में ऑब्जर्व हो जाएगी और बहुत ही अच्छी शेड देगी। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी कि अगर आप कोई अच्छी क्रीम लेना चाह रहे हैं तो आप इस क्रीम को बाय कर सकते हैं। ये क्रीम वाकई में अमेजिंग है, इससे आपकी स्किन पर ग्लो आएगा, स्किन जो है वो इवन टोन में हो जाएगी, आपके बर्थ कलर में दोबारा से वापस आ जाएगी। तो आप इसको यूज़ कीजिए। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप इसको डे टाइम में यूज़ कीजिए, क्योंकि इसमें SPF है तो ये आपको धूप से भी प्रोटेक्ट करेगा और आपकी स्किन को नरिश भी करेगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।